राजनीति करती रहेगी। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहनने, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या जिस कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कन्विक्ट किया है, उसके खिलाफ प्रदर्शन था? क्या ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन था जिसने ये निर्णय लिया है कि अगर कोई भी व्यक्ति 2 वर्ष की उसके ऊपर सजा आती है तो वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई हो जाते हैं? और या वो प्रदर्शन अपने खुद के नेता राहुल गांधी के विरोध में था जिन्होंने 2013 में वो अध्यादेश और कानून फाड़कर प्रेस के सामने एक प्रकार से नींव रखी, जिसके तहत आज वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो गए जिस दिन न्यायालय ने ये निर्णय लिया कि उनको 2 साल की सजा मानहानि के इस बहुत ही ओछे बयान के ऊपर, जिससे पूरा ओबीसी समाज देश का व्यथित है, नाराज है कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर। और मैं समझता हूं कि ना सदन को, ना सदन के स्पीकर या चेयरमैन को किसी की इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं है। कानून सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रखा है कि जिस वक्त 2 वर्ष की सजा किसी भी एमपी या एमएलए को होती है, उसी समय से ही स्टैंड्स ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाइड। स्पीकर ने तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई जो उनके पास, जिसमें उनके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। और यह है लिस्ट, 12 ऐसे और केसेस हैं जो अभी तक ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफाई हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत। आपको ध्यान होगा, सबसे पहले तो 2013 से ये मामला चल रहा है। 2013 में लालू प्रसाद यादव जी, राशिद मसूद जी, जगदीश शर्मा जी, और ये 3 अलग अलग पार्टी के हैं। लालू प्रसाद यादव आरजेडी के, राशिद मसूद कांग्रेस के, जगदीश शर्मा जेडीयू के, ऐसे ही सेल्व गणपति डीएमके के, मोहम्मद फैजल एनसीपी के, हाल में ही डिस्क्वालीफाई हुए, अब्दुल्ला आजम खान समाजवादी पार्टी के, तो 6 अलग अलग पार्टी के तो सांसद डिस्क्वालीफाई हुए। उस समय क्या कोई आंदोलन तो दिखा नहीं, कोई काले कपड़े में दिखा नहीं, कोई सत्याग्रह में पे नहीं दिखा? ये स्पष्ट दिखाता है जो प्रमोद तिवारी जी ने बयान दिया हाल में ही, जिसमें उनके शब्द थे, राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, और ये भी कहते हैं सेंटेंस में अलग होना चाहिए, कन्विक्शन में नहीं। यानी एक प्रकार से वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने गुनाह तो किया है, अपराध तो किया है, क्योंकि उन्होंने कहा कन्विक्शन तो करते हुए तो देखा जाता है अपराध क्या था, उस पर उनका कोई आलोचना नहीं है। वो एक्नॉलेज करते हैं कि अपराध किया और कहते हैं सेंटेंस पे अलग कानून होना चाहिए। ये हमारे किसी को समझ नहीं आ रहा है कि एक परिवार के लिए इस देश में कैसे अलग कानून मांगते हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा घोर अपमान भारत के कानून का और कानून व्यवस्था का नहीं हो सकता है। ये फिर एक बार एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, परिवारवाद की जो उनकी राजनीति है, उसका परिचय कांग्रेस दे रही है इतने सारे केसेस के बाद। क्योंकि राहुल गांधी जी ने, और उनको तो माफी मांगने की जरूरत थी, कल एक उनके कांग्रेस के नेता ने बयान दिया है कि उनके खुद के नेता बार बार कहते गए राहुल जी आप माफी मांग लो, विषय समाप्त करो, लेकिन उनकी एरोगेंस थी, उनका घमंड था कि वो माफी मांगने से उन्होंने इनकार कर दिया। और आज लोकतंत्र के ऊपर सवाल उठाने की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि
लोकतंत्र में स्पीकर के पास जिस प्रकार से मिसबिहेवियर हो रहा है हाउस में, चेयरमैन के पास जिस प्रकार से भद्दा व्यवहार राज्यसभा के कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल के सदस्य कर रहे हैं, एडजर्न करने के अलावा कोई पर्याय ही नहीं है। ऐसे में एक तरफ खुद एडजर्न कराते हैं, व्यवहार देखिए, आज कागज फाड़ के पहली बार लोकसभा में इतने वर्षों में कागज फाड़ के उन्होंने आसन पर फेंके हैं। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूं कि स्पीकर बार बार कहते रहे कि मैं चलाना चाहता हूं हाउस, सबको मौका मिलेगा, लेकिन कांग्रेस की मंशा ओबीसी समाज का अपमान करने की है, ये बहुत स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि इनकी मानसिकता ही ओबीसी समाज के विरुद्ध रही है, पहले भी थी और आज भी उसका परिचय देश के सामने बार बार देखने को मिलता है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये कभी कानून के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देगी, कानून को सर्वोपरि मानती है और भारत का जो संविधान है वो सबके लिए समान है। भारत के हर नागरिक को संविधान और कानून के तहत अपना काम करना है। और मैं ये भी समझना चाहता हूं कि आखिर ये 4 साल तक केस चला, इतनी सारी हियरिंग्स हुई, फाइनल हियरिंग तक में उनके 6-6 बड़े बड़े नेता हैं, अभिषेक मनु संघवी जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, चिदंबरम जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, केटीएस तुलसी जी बड़े वरिष्ठ लॉयर हैं, विवेक तनखा जी हैं, मनीष तिवारी हैं, 6 तो ध्यान में आते हैं तुरंत, जो बड़े विख्यात कानून के उनके मान्य सदस्य, इसमें से एक भी सदस्य कोई भी हियरिंग में ना आखिरी हियरिंग में गया, और जब कन्विक्शन हो गया उसके बाद भी आर्ग्यूमेंट्स चले, उनके वकील ने भी आर्ग्यूमेंट किए, जो पेटिशनर था उसके वकील ने भी आर्ग्यूमेंट किए, एक भी बड़ा कानूनी उनका सांसद या बड़ा उनका नेता ना हाजिर होना, ये भी एक सवाल उठाता है कि क्या ये कांग्रेस की अंदरूनी कोई लड़ाई है, क्या कांग्रेस के नेता स्वयं राहुल गांधी जी को तकलीफ में डालना चाहते थे, ये किसके एडवाइस पे पूरी कानूनी प्रक्रिया उन्होंने चलाई, ये वास्तव में एक सवाल खड़ा करते हैं। और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी को कोई अधिकार नहीं है कि वो देश के कानून से अपने आप को बड़ा समझे, इस घमंड के साथ पूरे ओबीसी समाज की अपमान करे और बार बार सदन के पीठ के ऊपर जो पीठासन अधिकारी हैं, जो स्पीकर चेयरमैन का अपमान और उनके अवमानना करने की जो कोशिश की जा रही है उनके अलग अलग नेताओं द्वारा, उसका भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विषय जरूर मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के माननीय सांसदों को कि ये जो काले कपड़े कहां पहने जाते हैं, किस जगह पर ये काले कपड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं, और मुझे लगता है उनके पास इतने हताशी हो गई है, आज इतना वो डिमोरलाइज है कि वो शायद सिर्फ काला जादू पे फिर एक बार अपने आप को टिकाना चाहते हैं, वो शायद बाकी सब पर्याय उनके फेल हो चुके हैं, ऐसी परिस्थिति में उनके पास सिर्फ काला जादू ही एक रह गया है, लेकिन ये नहीं समझते कि जनता का विश्वास वो पूरी तरीके से खो चुके हैं, और आप कुछ भी कर ले अब जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। धन्यवाद। आप अगर देखें तो मैंने अभी गिनाया कि इतने सारे दलों के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग समय पे अपनी सदस्यता खोनी पड़ी, क्योंकि कोर्ट ने 2 साल की एक बार सजा देते ही सुप्रीम कोर्ट के तहत वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाते, लेकिन मुझे लगता है बाकी सदन के जो पक्ष हैं उनका आप देखें तो बड़ा हाफ हार्टेड सा, एक विपक्ष दल के नाते हाफ हार्टेड सपोर्ट था,
अधिकांश तो कांग्रेस के ही सदस्य वेल में थे। क्योंकि जिस प्रकार से माननीय राहुल गांधी जी ने विदेशी धरती पे जाकर भारत का अपमान किया, भारत के लोकतंत्र का अपमान किया, भारत के दोनों सदनों का, पार्लियामेंट का अपमान किया, जिस प्रकार से हर इंस्टीट्यूशन का अपमान किया, मैं समझता हूं ये पूरे देश में किसी को भी मान्य नहीं है। मेरा विश्वास है मीडिया के भी मेरे मित्र इस बात को नहीं मान सकते। और जिस प्रकार का घमंड है वो आपने कल भी देखा, जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया के, उन्हीं के बीट रिपोर्टर जो 15 साल से कांग्रेस के बीट को कवर करते हैं, जो भद्दा व्यवहार जर्नलिस्ट के साथ भी रहा, यानी उनसे कोई कोई प्रश्न भी नहीं पूछ सकते एक्सेप्ट कोई स्क्रिप्टेड पत्र प्रश्न हो, उसके अलावा उनके पास कुछ बोलने की तैयारी भी नहीं होती है। तो ऐसे में वो पूरे देश का, देश की अर्थव्यवस्था का अपमान करते रहे, उसको कैसे सदन भी स्वीकार करे और देश स्वीकार करे। उनकी बात गलत है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन happens from the moment the sentence is announced. जिस वक्त sentence announce हो जाता है उसके बाद वो automatically disqualified है। समय कितना भी लगे वो retrospective effect, जिस समय conviction हुआ उस दिन से वो disqualify हो जाते हैं। तो समय का इससे कोई संबंध नहीं। और मैं समझता हूं कि कानून सभी के लिए सामान्य है और सभी को उस कानून के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई कोर्ट के निर्णय के तहत होता है। स्पीकर ने कब वो ऑर्डर पास किया उसका कोई उससे संबंध नहीं है। देखिए भारत में ओबीसी समाज बहुत बड़ा है और देश भर में उनके प्रतिनिधि पार्लियामेंट में भी चुन के आते हैं। मैं उन दोनों माननीय मुख्यमंत्री की मजबूरी समझ सकता हूं कि उनके पास कोई पर्याय नहीं है, पर दिल में उनके जरूर चोट पहुंची होगी जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने पूरे समाज का अपमान किया है। पर एक पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर, और वैसे तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि अगर कोई उनके कहे हुए रास्ते पे नहीं चलता है, एक परिवार के कहे हुए रास्ते पे, तो तुरंत सरकार को भी बर्खास्त कर सकते हैं, अपने मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। और आपको ध्यान होगा पहले भी लिस्ट निकली है कैसे कांग्रेस के समय बहुत बड़ी संख्या में, शायद 50-60 से ज्यादा बार सरकारों को टॉपल किया गया कांग्रेस द्वारा। तो बेचारे दोनों मुख्यमंत्री अपनी अपनी गद्दी संभालने में लगे होंगे। पर देश में आप देखिए कि पूरे ओबीसी समाज को कितनी आहत पहुंची है, कितना गुस्सा है कि इनके सत्याग्रह में भी सम्मिलित होने के लिए उंगलियों पे गिन ले ऐसे संख्या में इनके सत्याग्रह में लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को इंटरेस्ट ही नहीं है कि इस देश में अच्छी बातें सरकार जो कर रही है उसको करने दे। आखिर आप देखिए जन विश्वास बिल है, उसकी ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है, वो अब पेश होना था लेकिन इस प्रकार से वो सदन चलने ही नहीं दे रहे। उस जन विश्वास बिल से देश में कितने सारे कानून में सामान्य आदमी को सुविधा मिलती, जो क्रिमिनल प्रोविजन है उससे राहत मिलती, बिजनेस करने में सुविधा होती और ईज ऑफ लिविंग भी लोगों को फायदा होता। इसी प्रकार से बायोडायवर्सिटी का बिल सबसे पहले लिस्टेड है लोकसभा में, कंपटीशन लॉ में
कुछ प्रावधान को बदला जा रहा है जिससे राहत मिलेगी बिजनेस को, निवेश आएगा भारत में। मुझे लगता है जिस अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने सरकार चलाई है उससे कांग्रेस को चिंता है कि अगली बार 303 से भी अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को और ज्यादा बड़े पैमाने पे जनता का विश्वास, जनता का समर्थन मिलेगा। आज 9 वर्ष में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, 9 वर्ष तक, आज तक ऐसी कभी स्थिति नहीं हुई है इतिहास में कि 9 वर्ष कंटिन्यूअसली एक नेता इतनी हाई लेवल की एक्सेप्टेंस देश में प्राप्त कर सके, उससे शायद कांग्रेस बहुत चिंतित है। हाल में 3 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी कांग्रेस की क्या हालत हुई आपने देखा। मैं समझता हूं कि उससे बचने के लिए और फिर एक बार कर्नाटक में मुंह की हार खाने से डरने के लिए डरते हुए कांग्रेस इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। वो तो हम भी कह रहे हैं कि ओबीसी का समाज का अपमान किया है और इसलिए वास्तव में देश में कोई उस सत्याग्रह को कोई मान ही नहीं रहा, बजाय कि उनके कुछ गिने चुने लोग। और असलियत तो ये है कि सत्याग्रह तब होता है जब जन समर्थन मिलता है। आज कोई जन समर्थन इनके साथ नहीं है, यही बात की पुष्टि मैंने आंकड़ों के साथ भी मैं कर सकता हूं। मैं अभी अभी देख रहा था कि पूरे गुजरात में कोई एक स्थान पे अगर मैक्सिमम लोग आए सत्याग्रह में तो वो उंगलियों पे गिन सके, 100 से भी कम लोग थे। और ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र से मैं आता हूं, किधर भी हमने सत्याग्रह में ज्यादा लोग नहीं देखे। रेल रोकने जाते हैं तो 15-20 लोगों से ज्यादा किधर दिखे नहीं। तो वास्तव स्थिति यह है कि और कौन से गांधी परिवार से आते हैं ये भी स्पष्टीकरण कर ले। महात्मा गांधी के परिवार से तो इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये तो अपना नेहरू परिवार के सदस्य है और उसके बारे में तो पहले चर्चा हो ही चुकी है।